हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं स्मार्ट डॉग्स ट्रेनिंग। आज है डॉबरमैन ट्रेनिंग सीरीज का डे 2, यानी एपिसोड 2 बोल सकते हो, डे 2 नहीं कह सकते आप, एपिसोड 2 बोल सकते हो। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा नॉर्मल जनरल ट्रेनिंग जो डॉबरमैन के लिए आप फॉलो करेंगे तो सीख जाएगा बहुत आराम से। डे 1 में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, बहुत काम की वीडियो थी वो। आज मैं कुछ कमांड्स की प्रैक्टिस कराऊंगा ज़्यादा कुछ बिना बताए, और जो कमांड्स आपको लगे डाउट है तो उसमें स्पेशली इंडिविजुअल कमांड्स भी मैंने अपलोड कर रखी हैं, वहाँ से आपको आई बटन में कुछ सजेशन में वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अदरवाइज़ आप चैनल के अंदर जाके प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हो, वहाँ की बहुत सारी आपको मिल जाएंगी वीडियोज़ और भी अलग। तो चलते हैं ट्रेनिंग की तरफ। प्रिया, ये प्रिया यू कहीं टहल रहा है अभी, वो भी आ जाएगा। प्रिया, उनको सिट सिखाने के लिए सिट इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, कॉमन है ये चीज़, बहुत सारे तरीके हैं। सिट ब्रीथ मतलब हाथ में ऐसे दिखाओ उसको, सिट गुड स्टे शाबाश। हैंडशेक मैंने सिखा दिया है, और हैंडशेक गुड नहीं भी कर रहा है तो स्टार्टिंग ये है इसकी हैंडशेक सिखाने की, गुड ठीक है। और जब वो हाथ उठाए तो पकड़ लेना है, पहले बोलना है हैंडशेक नो प्रिया कम हियर, गुड गर्ल। अगर डॉग नहीं आ रहा है तो आप बैठ जाएंगे इस तरीके से बुलाने के लिए, ठीक है। तो ये कम हियर सिखाने का भी एक तरीका है। सिट सिट हैंडशेक, जब आप ऐसे करेंगे पैर उठाएगा वो पकड़ लेंगे आप, पहले हैंडशेक बोलना है फिर यहाँ उसको पंच करना है, जैसे पंच के मतलब एक तरीके से इस तरीके हल्के धीरे से करना है आपको, स्लैप से करना है, और जैसे वो पैर उठाए पकड़ लेना है, ग्रैब कर लेना दूसरा पैर, और गुड बॉय बोल के ट्रीट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हैंडशेक भी सिखा लोगे, सिट हो गया, कम हेयर हो गया, तो इन कमांड्स की जनरल प्रैक्टिस आपको करानी होगी। और आगे डे बाई डे में एपिसोड बाई एपिसोड नई चीज़ें बताते जाएंगे, जिससे आपका डॉग पूरा मैनर्ड हो जाएगा। किसी और डॉग को आपको देख के सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नहीं आपको स्पेशल सीरीज़ मिल रही डॉगमैन है तो आप डॉगमैन फॉलो कीजिए। इसके बाद मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसमें इसको शो ट्रेनिंग की भी बताऊँ मैं आपको, ठीक है। तो उसका एक पूरा डॉगमैन शो अलग से बना दूँगा मैं, तब तक आप इसको इन्जॉय कीजिए, इसको कैसे मैनर्ड बनाते हैं और कैसे कंट्रोल में रखते हैं और कैसे एक अच्छा गार्ड भी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा जनरल गार्ड भी मैं बताऊंगा सीरीज में, ठीक है। कम हियर गुड सिट, यू कम हियर फर्स्ट गुड बॉय सिट गुड। क्योंकि हैंडशेक की प्रैक्टिस चलाई तो पहले ही हाथ उठाते हैं, ये देखिए रेडी रहते हैं, हैंडशेक गुड हैंडशेक गुड शाबाश। आपको बार बार दूर जाना है, इनसे पास बुलाना है, कम हियर कम, इससे आपका कम हियर एकदम पक्का हो जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से कम हियर शाबाश कम गुड स्टॉप सिट सिट। जब आपको डॉग ना फॉलो करने लगेगा अच्छे तरीके से तो आपकी कमांड्स भी सुनेगा, तो पहले फॉलो करना सिखाना है कि जब भी आप बुलाएं तो उसकी स्टार्टिंग में ट्रीट कीजिए, उसका धीरे धीरे बुलाया कभी ट्रीट नहीं करेंगे, फिर उसका कमांड दे देंगे उसके बाद ट्रीट करेंगे, और कभी कभी जस्ट कमांड ही देंगे बस ऐसे छोड़ देंगे। तो ये नहीं है कि बुलाने का जस्ट कमांड ही देनी है, नहीं तो अगर तुरंत कमांड देने लगोगे तो वो भागने भी लगेगा, जैसे उनको पता है कि कमांड देंगे तुरंत तो हो सकता है डॉग के मूड में ये आ जाए कि नहीं वो अभी ये कमांड देंगे तो नहीं जाऊँगा, तो कभी कभी बोर होने लगते। तो कभी क्या, कभी बुलाओगे तो तुरंत कोई जैसे बुला के सेट या हैंडशेक कर लिया, कभी नहीं किया ऐसे गुड बॉय शाबाश बोल के प्यार करके छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है और इंटरेस्ट क्रिएट करते रहना है, डॉग को लगातार एक ही चीज़ रिपीटेशन पे रखोगे ना, पैटर्न चेंज करते रहो, कभी कम सेट डाउन, कभी कम कम हेयर बोल दिया केवल, कभी दो कमांड करा दी कभी नहीं कराई, तो पैटर्न चेंज करते रहो जिससे डॉग बोर ना हो। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो, जब अगर डॉग को एक पैटर्न याद हो जाता है लगातार ना, तो डॉग फिर वही चीज़ या तो बहुत तेज़ी से वही चीज़ करने लगेगा बिना कमांड दिए कन्फ्यूज़ होकर, नहीं तो अगर वो कन्फ्यूज़ नहीं भी होगा तो बोर हो जाएगा, बोर हो गया तो फिर वो चीज़ों को सुनेगा नहीं, फिर आपके पास नहीं आएगा, एक जगह जाके बैठ जाएगा, लेजी रहेगा, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और आई होप कि ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको वीडियो, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें जनरल चीज़ें बहुत ज़्यादा है नहीं आपको कुछ फॉलो करने को, आप जनरल टिप्स भी ये फॉलो करते रहेंगे तो कोई आपको ज़रूरी भी नहीं कि ट्रेनर लगाना पड़े। अगर आप चाह भी रहे हो तो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, और हम लोग लाइव भी आते हैं इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ से ये इंस्टाग्राम आईडी दी जा रही है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।